आज हम बना रहे हैं फूल गोभी की एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, गोभी मंचूरियन, एकदम देसी स्टाइल में। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो फूल गोभी ली है, इसको बराबर के टुकड़ों में काट लिया है और पानी से अच्छे से धोकर इसको निकाल लिया है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हमें एकदम फ्रेश गोभी लेनी है। अब इसमें यहाँ मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मैदा। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है शुरू में, बाद में चाहिए तो 1/2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। ये गोभी अपने आप ही नमक डालने की वजह से पानी छोड़ देगी। इसको इस तरीके से हर टुकड़े को अच्छे से कोट कर लेना है। अब इसको हम 15 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखिए, ये इस तरीके से इसने पानी छोड़ दिया है अपने आप ही और ये थोड़ा मॉइस्ट हो गई। अब इसको हम तलेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, इसमें एक एक करके सारे टुकड़ों को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं तलना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे आपस में। बस इनको बिना हिलाए डुलाए एक तरफ से सिकने दीजिए, तब तक आइए दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ये हरा वाला प्याज लिया है, इसके ऊपरी हिस्से को, ये जो वाइट वाला पार्ट है, इसको अलग से काटेंगे। थोड़ा और ले लेते हैं, ये वाइट पार्ट को काट के अलग रख देंगे। अब ये ग्रीन वाला पार्ट भी ऐसे ही बारीक बारीक काट लेंगे। ये भी हमें करीब 1 कप चाहिए। इसको भी काट के अलग रख देते हैं। आइए मंचूरिया चेक करते हैं। ये एक साइड से सिक गया है, अब इसको पलट लेते हैं। दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिकने देंगे। तब तक हम यहाँ एक शिमला मिर्च काट लेते हैं, इसके बीज और डंठल को निकाल देते हैं अलग। अब इसको बीच में से हाफ कर लेंगे ऐसे, और पतले और लंबे टुकड़े काटेंगे। इसको अलग रख देते हैं। अब गोभी चेक करते हैं, ये दूसरी साइड से भी सिक गया है। ऐसे ही हमें कलर चाहिए, गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए इसका। अब इसको निकाल लेते हैं। ये तली हुई गोभी को अलग रख के इसी ऑयल में हम दूसरा बैच भी डाल देंगे, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से तलना है। जब तक मैं हमारी दूसरी गोभी तलती है, हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं 1 कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये बिना ऑयल के ही हमें प्याज को इस तरीके से भूनना है। अब इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल देते हैं। जब इसमें तली हुई गोभी पड़ेगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये बिना ऑयल के सेका है। इसको भी बस क्रंची ऐसे रखना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा ऐसे ही चला कर और फिर इसको थोड़ा ढक कर कुक कर लेंगे। बस 2 मिनट के लिए ढकना है। तक हम एक खल्लड़ में इस लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट लेते हैं। इसका बारीक पेस्ट नहीं करना है, बस दरदरा सा कूटना है। ये देखिए इस तरह का। आइए प्याज और शिमला मिर्च को चेक करते हैं, ये भुन गई है। अब इसमें अदरक लहसुन डाल देते हैं।
इसको भी थोड़ा सा चलाकर भूनेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सी सॉल्ट, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच टमाटर की सॉस, 1/2 चम्मच मॉल्ट विनेगर। आप नहीं डालना चाहें विनेगर तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ये घुला हुआ, पानी में घुला हुआ कॉर्नफ्लोर है, 4 चम्मच डाला है मैंने। इससे डालते ही 2-3 चम्मच पानी भी डाल दीजिए। इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देते हैं। इसको 1 उबाल आने तक पकाना है। इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें तली हुई गोभी डाल देते हैं। पूरी गोभी को डाल दिया हमने, अब इसको हल्के हाथों से मिलाना है। पूरा अच्छे से मिलाना है जिससे ग्रेवी सारे टुकड़ों में अच्छे से भर जाए। बहुत लाजवाब दिख रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। अब इसमें कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे। इसको थोड़ा सा टॉस करके सब मिला लेते हैं इस तरीके से। अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको रोटी, पराठा, चावल, फ्राइड राइस या ब्रेड किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगी, तो फिर वेट किस बात का है। आप भी बनाकर ट्राई करिए और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।